गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास. सो दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर मेडिवियल इंडिया. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि दो पार्ट्स में बांटा गया मेडिवियल इंडिया को, अर्ली मेडिवियल और लेट मेडिवियल. मेजर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड. अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो पढ़ लेते हैं. मैनी पोलिटिकल ग्रुप एमर्ज, बहुत सारे पोलिटिकल ग्रुप. पोलिटिकल ग्रुप क्या हो गए, यानी कि नेता नहीं, यानी कि जो राजपाट करना चाहते थे. मुस्लिम इन्वेडर्स लाइक महमूद ऑफ गजनी एंड महमूद गौरी एंड अदर तुर्क फाउंडेड द दिल्ली सुल्तनत. तो दिल्ली पर राज करने के लिए ये सब भी आए. कौन कौन, महमूद ऑफ गजनी, महमूद गौरी, ठीक है, मुस्लिम इन्वेडर्स. इन्वेडर्स मतलब घुसपैठिया जो घुस गए भारत में. मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल मंगोल रूलर्स हु अपरूटेड द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड गेव अ काइंड ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी टू आवर कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. तो क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत आके बस गए लेट मेडिवल पीरियड में, 1200 से लेकर के 1700 तक के टाइम में, 500 साल तक इन्होंने राज करा. उसके बाद क्या हो गया, मुगल्स आ गए और मुगल्स ने हमारे देश पर बहुत सालों तक राज किया और एक तरीके से यहाँ पर जड़ बना करके बैठ गए अपनी. दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका, अपरूटेड मीन्स उखाड़ फेंकना. कास्ट और जाति और सब कास्ट, यानी कि छोटी कास्ट जो थी प्रोमिनेंस, यानी कि इनका भी महत्व हो गया था. उससे पहले जाति वगैरह इतनी नहीं मानी जाती थी. चेंजेस वर मेड एट द सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल्स. एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लीनर ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. तो जंगलों को साफ करके खेती की जाने लगी, खेती की जाने लगे से तो किसान आने लगे, बड़े किसान, छोटे किसान. तो इस तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह भी आए. सोशल चेंजेस कैसे आए, अब दूसरे दूसरे राजा आ रहे थे तो वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन फैला रहे थे यहाँ पर. तो इस तरीके से सोशल भी चेंजेस आए. द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन वर इंडिपेंडेंट एंड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर. तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, जैसे कि एक ही राजा है पूरे भारत का, है ना. रीजनलाइजेशन हो रहा था, क्षेत्र जो है बट रहे थे, जुड़ रहे थे, तो इस वजह से भी एक दूसरे पर ये निर्भर थे. तो इससे भी बहुत भारत पर प्रभाव पड़ा. अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. तो हमें पता कैसे चली ये सारी चीज़ें कि हाँ कभी कोई अकबर भी होते थे या कभी कोई दिल्ली सल्तनत में ये राजा हुआ करते थे. तो हमें ये सब नॉलेज मिलती कहाँ से वो पढ़ेंगे. सोर्स मीन्स होता है बच्चों स्रोत, यानी कि कोई चीज़ जानने की जगह, कोई किसी चीज़ की कोई आने की जगह. तो यहाँ पर क्या लिखा है, हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन अ वेराइटी ऑफ सोर्स टू एक्सप्लोर द पास्ट. हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं. तो हिस्ट्री को समझ करके एक बुक में लिखते हैं ताकि हम पढ़ सकें. तो हिस्टोरियंस जो है पास्ट के बहुत सारे स्रोत को छान मारते हैं ताकि वो हमें नॉलेज दे सके. फॉर मेडिवल पीरियड देर आर टू मेन सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी है, तो आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं. पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं. बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान एंड तैमूर, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. चंगेज खान और तैमूर जो आए थे मुस्लिम इन्वेडर, इन्हीं का बाबर जो था वंशज था, ठीक है, और इसने मुगल एम्पायर की नींव भारत में रखी थी, जिनने की कई सालों तक राज किया. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ेंगे. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है बच्चों, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर एक्सेट्रा, यानी कि मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो पुरानी पुरानी चीज़ें बना करके गए हैं वो, ठीक है. अकबर ने, जैसे कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, तो हमें पता चला ना कि शाहजहाँ एक राजा थे, ठीक है. न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, जैसे कि सिक्के जो मिलते हैं. एपिग्राफिक एविडेंस, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, लिखी हुई चीज़ें जो मिलती हैं. आर्टिस्टिक एविडेंस, जो पेंटिंग्स बना करके गए हैं वो लोग या फिर उनके दरबार के लोग. मॉन्यूमेंट्स में क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स में टेंपल, मॉस्क, फोर्ट, टॉम्स, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, किले और टॉम्स क्या होते हैं, जैसे गुंबद, मकबरे वगैरह. दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस बट ऑल्सो अबाउट द सोसाइटी. हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे धर्म का वो था, प्रैक्टिसेस होती थी, ये बताते हैं. आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, आर्किटेक्चर कैसा था वहाँ पर. आर्किटेक्चर क्या होता है बच्चों, बिल्डिंग वगैरह बनाने की चीज़, ठीक है, चीज़ नहीं मतलब कैसे बिल्डिंग्स होती थी, कितनी मजबूत होती थी, क्या कौन से पत्थर इस्तेमाल होते थे, कितने बड़े बड़े रूम्स होते थे, ये सब आर्किटेक्चर में आता है. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन भी बताते थे. सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स आर रेड फोर्ट इन दिल्ली, द ताजमहल इन आगरा एंड वेरियस टेम्पल्स इन साउथ, ठीक है, साउथ में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं. न्यूमिस्मेटिक में हमने पढ़ा था सिक्के आते हैं. कॉइंस फॉर मेडिवल पीरियड गिव्स एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर्स ऑफ दैट टाइम. तो सिक्के जो है मध्य पीरियड से हमें मिले हैं वो हमें शासकों के बारे में बहुत नॉलेज देते हैं, देर इंटरेस्ट की वो कैसा इंटरेस्ट रखते थे, कैसी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करी थी, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, कॉइंस बिलोंगिंग टू मुगल पीरियड डिपिक्ट द पोर्ट्रेट्स ऑफ मुगल रूलर्स. तो जो मुगल के जो कॉइन्स हैं, ठीक है, उन पर पोर्ट्रेट बने हुए मुगल रूलर्स के, पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर.
एक आदमी का पिक्चर। द स्टडी ऑफ कॉइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। अगर जब हम सिक्के के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। डू यू नो, पढ़ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल टुक टोटल 22 ईयर्स, 22 साल में बना था ये। इट्स आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन, पर्सियन एंड इस्लामिक स्टाइल। तो उसमें तीन स्टाइल मिक्स हैं इसके निर्माण में, बिल्डिंग के, इंडियन, पर्सियन और इस्लामिक। नेम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल इज अहमद लाहौरी। तो अहमद लाहौरी ने ये बनवाया था, ठीक है, मतलब उन्होंने इसकी बिल्डिंग की सारी डिजाइनिंग वगैरह बनाई थी। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, लेख वगैरह। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ्स भी कहते हैं इसको। इसको हम एपिग्राफी जानते हैं, जब हम कोई अगर इंस्क्रिप्शन पढ़ता है तो इस स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। द इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ, देखो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी आगे जाकर के हिस्टोरियंस बन सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफी, एपिग्राफ्स आर द रिटन इनग्राव और हार्ड सरफेस, ठीक है। किसी भी हार्ड सरफेस पे इनग्राव यानी कि एकदम लिखी हुई कड़ी हुई चीज़ों को हम एपिग्राफी, एपिग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। पुराने टाइम में, एंशियंट पीरियड में, एपिग्राफी वॉज मेड ऑन केव, ठीक है, गुफाओं वगैरह पर, पहाड़ियों पर, चट्टानों पर, दीवारों पर होती थी, पर बाद में ये कॉपर की प्लेट्स पर होने लगी, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कुछ उन्होंने पोएम्स लिखी है ना राजाओं को तारीफ करते हुए, राजाओं की, इसको हम क्या कहते हैं, प्रशस्तिस, ठीक है, प्रशस्तिस जो है वो राजाओं की तारीफ में लिखी गई पोएम्स हैं। पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, वो बताते हैं हमें कस्टम, रूलर्स के कस्टम, सोशियो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीरियड, ठीक है। जैसे उसमें कपड़े पहने गए, नहीं पता चलता है कि वहाँ पे वैसे ही कपड़े पहने जाते होंगे। पेंटिंग्स डिपिक्टेड, ठीक है, क्या बताती है पेंटिंग्स, रिलीजियस बिलीव, ये भगवानों को कितना मानते थे या नहीं मानते थे। ड्यूरिंग मुगल्स पेंटिंग वर अ ब्लेंड ऑफ पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल। मुगल के टाइम पे पेंटिंग्स जो थी पर्सियन और इंडियन स्टाइल मिक्स होता था। लिटरेरी सोर्सेज हमें क्या थे, दो पढ़े थे ना हमने, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल आपने पढ़ लिया, कौन कौन से आते हैं, कॉइन आते हैं, एपिग्राफी आती है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, और पेंटिंग्स आती है उसमें, इसमें क्या आता है लिटरेरी सोर्स में, इंडिजीनियस सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज। इंडिजीनियस क्या होते हैं, दीज सोर्सेज आर क्रिएटेड विद इन द कंट्री, जो कि हमारी कंट्री में ही बने हैं, इंडिया में। दीज इंक्लूड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड क्रॉनिकल्स। द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर मेनली रिटन ऑन पाम। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते थे, जो हमारे पुराने जो लोग थे साधु वगैरह उन्होंने लिखे, पाम लीव्स पे, ठीक है, पाम पेड़ के पत्तियों पे, कपड़ों पर, ब्रीक पर, बार्क यानी कि पेड़ की छाल पर, ठीक है। लेटर ऑन पेपर, बाद में जब पेपर का आविष्कार हो गया तो पेपर पे भी। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स जो होते हैं, क्रॉनिकल मतलब होता है टाइम पीरियड के हिसाब से कोई चीज़ लिखी गई, जैसे इस टाइम ये हुआ, उसके बाद वाले टाइम में ये हुआ। तो क्रॉनिकल्स भी जो है राजाओं ने बनवाए हैं अपने किंगडम के बारे में। तो बार्ड्स जो होते थे यानी कि पोइट यानी कि कवि, वो अपॉइंट किए जाते थे राजाओं के द्वारा क्रॉनिकल्स बनाने के लिए। दे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स एट किंग्स कोर्ट। तो जो भी प्रोसीजर होता था राजा के दरबार में, वो जो बार्ड्स होते थे यानी पोइट, वो सारा लिखते थे, उसको हम क्रॉनिकल्स कहते थे। इससे हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के पीरियड की। लैंग्वेज यूज इन दिस क्रॉनिकल वर मोस्टली रिटन, किस में, कौन सी लैंग्वेज में रिटन थे वो, पर्सियन या फिर तुर्किश में यानी कि तुर्की भाषा में। हैंस द इंडिजीनियस सोर्स रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ रूलर। तो इससे लाइफ स्टाइल ऑफ रूलर पता चलता है, उनकी फैमिलीज के बारे में पता चलता है, और वार्स उन लड़ाइयों के बारे में पता चलता है जो उन्होंने लड़ी। तो जाहिर सी बात है जब वो सब कुछ लिखवाएंगे तो लड़ाइयों के बारे में तो लिखवाएंगे उसमें। आगे देखेंगे फेमस क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज आर एज फॉलोज। ये देख लीजिए क्या लिखा है, अ कोर्ट्स इंटरप्रेटेड बाय अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा भी एक बुक है। तो देखो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चों, जब किसी की लाइफ के बारे में कोई और इंसान लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है एक बुक, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये देखिए फेमस जो है क्रॉनिकल्स, तो ये क्या लिखा हुआ है, राजा तरंगिनी बाई कल्हाना, अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो राजा तरंगिनी जो है कल्हाना ने लिखी है, राजा ने, कश्मीर के राजा ने क्रॉनिकल, ठीक है। शाहनामा बाय फिरदोसी, अ हिस्टोरियोग्राफी यानी कि हिस्ट्री के बारे में लिखा गया। तुज़ अ बाबरी या फिर बाबर नामा भी इसका नाम है, बाबर ने खुद लिखा था अपने बारे में, तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। अकबर नामा और आयने अकबरी अबुल फाजी ने लिखी थी, जो कि अकबर की लाइफ और उसका राजपाट बताता है, तो ये बायोग्राफी हो गई।
पृथ्वीराज रासो और चांद बरदरी, पृथ्वीराज रासो जो है चांद बरदाई ने लिखी थी, जो कि हमें पृथ्वीराज चौहान जो कि एक फेमस राजपूत रूलर थे उनके बारे में बताता है। डू यू नो पढ़ेंगे, पेपर जो कब बना था, पेपर पपायरस प्लांट से बनाया जाता था, पपायरस प्लांट से इजिप्टियन ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट लिखते थे वो इस पर। पृथ्वीराज चौहान जो थे किल्ड अ टाइगर बेयर हैंडेड इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है, उन्होंने उसको निहत्था यानी कि बिना किसी हथियार के उसको मारा था उन्होंने टाइगर को। ठीक है, ही डिफिक्टेड द किंग ऑफ गुजरात, गुजरात के राजा को भी हराया था भीमदेव को, जब वो सिर्फ 13 साल के थे। उनकी बहादुरी की वजह से ही उनके जो नाना थे उन्होंने उनको अंगम नाम दिया था। ठीक है, आगे का पाठ हम थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में ख़त्म करेंगे।